नमस्कार, मरुदा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अनु तावर आपके साथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 17 साल की एक लड़की का दो लोगों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने उसके शरीर पर कई जगह सिगरेट से दाग दिया। पूरी रात किशोरी अर्धनग अवस्था में झाड़ियों में पड़ी तड़पती रही। रविवार सुबह लोगों ने देखा तो परिजनों को जानकारी हुई। पीड़ित का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक दक्षिण विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर के थाना गोला में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की तहरीर दी गई थी, जो उसके परिजनों ने दिया था। लड़की का मेडिकल कराया गया। इस मामले में शामिल दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त अर्जुन पास के गाँव का है। इसके अलावा उसी का दोस्त महेश उर्फ छोटू है, उसे भी पकड़ लिया गया है। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 376, 326, 516 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आसपास के रहने वाले लोगों से मिली जानकारी के अनुसार गोला क्षेत्र में एक परिवार किराए पर कमरा लेकर रहता है। वह ईंट भट्टे पर फटाई का काम करते हैं। मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी शुक्रवार की रात 8 बजे दरवाजे के सामने स्थित हैंडपंप से पानी भरने गई थी। इस दौरान धैरी बार गांव का अर्जुन निषाद अपने एक साथी के साथ पहुंचा और उसे अगवा कर ले गए। जब वह काफी देर तक पानी लेकर नहीं आई तो तलाश शुरू हुई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। सुबह मंदिर के पास खंडर में उसकी बेहोशी के हालत में मिलने की सूचना मिली। वो मौके पर पहुंचे तो बेटी ने आपबीती बताई। रात भर दोनों युवकों ने दुष्कर्म करने के साथ सिगरेट से शरीर पर कई जगह जला भी दिया था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची यूपी पुलिस ने लड़की को CHC गोला पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए मरुदर बुलेटिन।